हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जावा इन हैंड में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि किस तरीके से आप एक डायनेमिक मार्क्यू ऐड कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वो भी काफी सिंपल स्टेप्स के अंदर। सो दोस्तों, जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलती रहे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ हम क्या आज इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो ये है हमारा डायनेमिक मार्क्यू, इस पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको एक मार्क्यू देखने को मिलेगा अपनी स्क्रीन के अंदर। सो इस चीज को आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वो मैं आपको आज बताऊंगा। सो आपको करना क्या, चलते हैं हम अपने पेज डिजाइनर की तरफ। तो हमें क्या करना होगा, हम करते हैं पेज को एडिट। हमने पेज को एडिट कर लिया और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें मैंने फॉलो करी है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक रीजन क्रिएट करना होगा। सो हमने एक रीजन क्रिएट कर लिया डायनेमिक मार्क्यू, ठीक है। और इसका आपको टाइप सिलेक्ट करना होगा पीएस इक्वल डायनेमिक कंटेंट। सो इस रीजन का जो टाइप होगा वो आपको ध्यान से देखना है, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप एक भी स्टेप्स को मिस ना करें और इजिली इस इम्प्लीमेंटेशन को अपनी एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते। सो जो ये हमारा रीजन है इसको आपको चूज करना है पीएस इक्वल डायनेमिक कंटेंट। और इसका जो सोर्स होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल में आप जो भी टेक्स्ट देना चाहते हो। ये मेरा एक एडिशनल मैसेज के लिए मैंने एक वेरिएबल दे दिया, जो आपके परमानेंट आप कोई एक एडिशनल मैसेज आप दिखाना चाहते हो तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, एक हमने कर्सर डिफाइन किया है डेटा इज, और सिलेक्ट उसके अंदर हमने लिख दिया ओरेकल एफएक्स ट्यूटोरियल्स बाय जावा एंड उसको हमने एलियासिंग दे दिया मैसेज की फ्रॉम देयर। सो आप यहाँ पे अपने टेबल का यूज कर सकते हो, जिस भी आप टेबल के अंदर आप डेटा आप रखते हो जो उस टेबल के अंदर आप उस टेबल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना, आपको एक बिगिन स्टेटमेंट लिखनी है, उसके अंदर आपको दो डिप डिफाइन करने हैं http.p के अंदर। सो आपको ध्यान करना, जब भी आपको स्टेटमेंट एचटीएमएल में लिखते हो तो आपको उसके पहले आपको यूज करना होगा http.p, ठीक है। उसी के अंदर सिंगल कोट के अंदर आपको सारी एचटीएमएल की स्टेटमेंट आपको राइट डाउन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको दो स्टेटमेंट लिखनी है, जिसके अंदर पहला क्लास होगा मार्क्यू फिर मार्क्यू टेस्ट। फिर आपको यूज करना है एक लूप यूज करना है, जो भी होगा आपका सीवन और डेटा जो हमारा कर्सर का नेम है। फिर आपको लूप स्टार्ट करना होगा, ये जो हमारा मार्क्यू है क्लिकेबल, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ जो मैं अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। सो आप यहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकते हैं इस मार्क्यू के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। सो AHREF, उसके अंदर आप जो भी आप URL पास करना चाहते हो, टारगेट इक्वल टू ब्लैक। सो ये हमारा क्या है बेसिकली कि अगर आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक नए पेज पर रिडायरेक्ट होना चाहते हो, नए टैब में आप उस URL को ओपन करवाना चाहते हो, तो आप टारगेट इक्वल टू ब्लैंक का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, आपका सीवन डॉट सीवन जो हमारा फॉर लूप का जो हमने नेम डिफाइन किया, उसके बाद मैसेज जो हमारा कर्सर के जब मैं डेटा सिलेक्ट कर रहा है, उसके बाद एडिशनल मैसेज ये हमारा होगा स्पेस के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर टैग को आपको बंद कर देना है, ठीक है। फिर ये आपका होगा एंड लूप। उसके बाद जो भी हमने डिप ओपन किए थे वो आपको क्लोज कर देना है। सो ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायनेमिक कंटेंट की आपकी प्रॉपर्टीज जो भी आपने डिफाइन करी वो हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, आपको आना पेज की प्रॉपर्टी पे। पेज की प्रॉपर्टी पे आने के बाद आपको करना है, एक आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको और बढ़िया अच्छी तरीके से दिख जाए, ठीक है। आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना मार्क्यू, जिसके अंदर आपको डिप डॉट मार्क्यू को आपको असाइन करवाना है इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दिया गो, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमने वैल्यू दे दी ट्रू। उसके बाद इसके इस मार्क्यू डॉट ओवर पे हमने क्या करा, ट्रू और फॉल्स, जो ओवर है वो ट्रू और फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जो हम ये काम करवा रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहा है, ये जो हम रोक रहे हैं, हम इस टेक्स्ट को रोक रहे हो किस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद हमने मार्क्यू डॉट इच पर हमने एक इस तरीके से इंसिडेंट को यूज किया, जो कि क्या करेगा हमारा जो सीएसएस है उसको, उस सीएसएस को हमने यहाँ पे यूज किया, जो क्या करेगा इसकी जो भूत है, अगर मैं आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके दिखाता हूँ तो इस इंसिडेंट का यहाँ पे यूज हुआ है। अब जैसे देखोगे आप टेक्स्ट इंसिडेंट इसके भूत के अकॉर्डिंगली क्या करता है, इसको कम ज्यादा इसको करता रहता है, ठीक है, जैसे जैसे स्क्रीन का स्टार्ट होता है। सो उसको वो कैलकुलेट करते हैं फिर इसको स्टाइल्स का यूज कर रहा है, ठीक है। सो ये इस तरीके से इसके जो हमने सीएसएस यूज किया टेक्स्ट इंसिडेंट, वो इस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर उसके बाद क्या
जो हमने मार्क जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया उस पर इंटरवल जो भी आप इसकी स्पीड देना चाहते हो, किस तरीके से ये स्क्रोल डाउन हो, किस तरीके से आप इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सो ये हो गया आपका जावास्क्रिप्ट का कोड। उसके बाद आपको क्या करना, आपको एक सीएसएस का आपको यूज करना होगा। उस सीएसएस के लिए मीडिया क्वेरी सबसे पहले हम लगाएंगे। मीडिया क्वेरी हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ताकि ये हमारा जो मार्क्यू जो ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके, ठीक है। सो हमने क्या करा, डिप डॉट मार्क्यू पे हमने फॉन्ट साइज और इसकी पैडिंग डिफाइन कर दिया है। उसके बाद जो डिप डॉट मार्क्यू इस पे वाइट स्पेस नो रैप कर दिया है। फॉन्ट साइज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। पैडिंग बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड हमने इसका जो ये येलो का हमने जो कलर किया आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। उसके बाद ये डिस्प्ले इनलाइन और विड्थ को हमने ओटे डिफाइन कर दिया है। इसको ओके करेंगे और सेव करेंगे और रन करेंगे। सो आपको कुछ इस तरीके से आपको डायनेमिक मार्क्यू आपके अपनी एप्लीकेशन में आप इजिली क्रिएट कर सकते हो। सो इस वीडियो को जो अभी तक देख रहे हैं उनके लिए मैं और इजी कर देता हूँ इस चीज को करने के लिए। सो आप क्या कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो और इसके जो कोड है, इसके जो PLSQL डायनेमिक कंटेंट का जो कोड है, इसको जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। आपको यहाँ से कोड मिल जाएगा, आपको कोई ज्यादा फोकस नहीं करना होगा स्क्रीन के अंदर और आपको यहाँ पे ये सीएसएस मिल जाएगी, ठीक है। सो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको ओपन कर सकते हो इस पोस्ट को, ठीक है, डायरेक्टली। सो आपको मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपको वीडियो मिलते रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।